हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों जैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होता है, पिकअप नहीं लेता है। तो दोस्तों चार्जिंग कॉइल जो हम लोग रेगुलेटर बोला जाता है उसका, वो ख़राब रहने से आपका स्टार्ट होगा, पिकअप नहीं लेगा। जैसे आप बैटरी लगा के देखते हैं तो पिकअप लेने से इसका मतलब यही समझे रेगुलेटर ख़राब है, या तो वायरिंग में कहाँ पर किधर भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हम अभी मल्टीमीटर से चेक करने वाले हैं तो ध्यान से देखना है आपको। जैसे दोस्तों प्लस में प्लस देना है, ठीक है, आपको रेंज रखना है कम से कम, जो आपको बैटरी का पावर कम से कम से 1200-1300 का आसपास आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करिए। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल के लिए अभी ये स्टार्ट होता है लेकिन पिकअप नहीं लेता। ठीक है, जैसे हम बैटरी का वायरिंग हम सटाते हैं, पिकअप लेना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों जैसे देख सकते हो स्टार्ट किए हैं तो इतना पावर दिखा रहा है। ठीक है, तो बैटरी हम लगा के हम पिकअप देंगे स्टार्ट करके, जैसे बैटरी का वायर लगा के पिकअप देने की कोशिश करेंगे तो कितना दिखा रहा है वो हम चेक करेंगे। अब देख सकते हो दोस्तों कितना आ रहा है, इसका मतलब यही है दोस्तों किधर भी वायरिंग जो है फोल्ड है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे।